एवरीवन, दिस इज़ राहुल मित्तल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप लोग कैसे हैं? गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख सकें। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, जो कि मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और कितने डेज हो गए आज उनको ड्राइविंग करते हुए, और यहाँ से कार सीखने के बाद वो कहाँ जाने वाले हैं और क्या कॉन्फिडेंस है। आज इनकी फाइनल क्लास है और मैं इनका टेस्ट लेने जा रहा हूँ कि इन्होंने क्या सीखा और कितना परसेंटेज इनको आ चुका है, क्या अभी ये अपनी कार पर्सनल चला सकते हैं या अभी और इनको सीखने की ज़रूरत है। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मतलूब। मतलूब, पूरा नाम क्या लिखते हैं? मतलूब खान। कहाँ के हैं रहने वाले आप? कमलापुर। ये कहाँ पड़ता है? सीतापुर जिला। तो यहाँ लखनऊ में कहाँ रहते हैं आप? लखनऊ में मड़ियाओं में। मड़ियाओं में कितने डेज आपने मेरे पास कार सीखी है? 15 दिन फाइनल हो चुका। 15 दिन। कौन कौन सी गाड़ी चलाई है मेरे पास? सेंट्रो चलाई है पहले में। हाँ, उसके बाद वैगनार चलाई है। हाँ, फिर उसके बाद अल्टो चलाई। अल्टो। तीन गाड़ी से सीखा। पेमेंट कितना दिया आपने? 3500। तो आप मेरी ड्राइविंग से सेटिस्फाई हैं? जी बिल्कुल। आपको सही जानकारी, सही चीज़ें बताई गई? जी जी। अच्छा, तो अभी तक कौन कौन से गियर में आपने कार चलाई है? 5-4 तक चला चुके हैं। 4-5 गियर तक चला चुके हैं। तो चलिए, आज मैं आपका टेस्ट दे रहा हूँ, देखते हैं कि आपने क्या क्या सीखा है। तो चलो, आप समझ लो कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैं नया बंदा हूँ, सब कुछ आपको करना है। चलो, कैसे कार स्टार्ट करते, कैसे सीट एडजस्ट करते, कैसे सीट बेल्ट लगाते, कौन सा गियर डाल के गाड़ी बढ़ाते। चलो स्टार्ट, रेडी, आपका टाइम स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों, ये है मतलूब खान और आज इनकी वैसे जाना कहाँ है आपको गाड़ी सीख के? सऊदी अरब जाना। तो वहाँ तो लेफ्ट हैंड ड्राइविंग होती है सारी। पहले सीट बेल्ट खोलो जल्दी से और नीचे उतरो फटाफट, और पहले थूक के आओ, गुटका रख रखा है ना मुंह पे। ये आपको बताया नहीं गया कि गाड़ी में बैठते हुए गुटका पान तम्बाकू खा के सीट पर चलाया जाता है? फिर गलत बात, ध्यान रखना आगे से। सीट आपकी सही है? जी। कैसे पता आपको सीट सही है? आपने क्लच दबा के चेक किया? पैर आपका पहुंच रहा है पूरा? यहाँ से एडजस्ट होती है, यहाँ से वो नहीं, ये वाली एडजस्ट करनी है। रॉड आगे उठाओ और आप अपने आप को हाइए। सीट जब तक कंफर्ट नहीं होगी तब तक आपको दिक्कत होगी। अगर सीट ज़्यादा पीछे तो आपको क्लच दबाने में दिक्कत होगी, ज़्यादा आगे तो भी दिक्कत होगी। चलो, सीट बेल्ट लगा लिया, मिरर चेक किया, राइट वाला, लेफ्ट वाला, लुकिंग ग्लास। चलो, इंजन ऑन करो। सीधा जाना है अभी। आगे जाके उस पुल से आपको यू टर्न मार के आना है, ठीक है? को इंडिया में कार चलाना थोड़ा टफ है, फॉरेन ऑरन में चलाना बहुत आसान होता है, क्योंकि वहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक होते हैं, ट्रैफिक के नियम वहाँ पे बहुत अलर्ट रहते हैं, ठीक है? वहाँ पे कोई ऊटपटांग गाड़ी नहीं चला सकता है। अभी यहाँ से आपको यू टर्न मारना है। कभी भी खड़ी गाड़ी पे पूरा क्लच नहीं छोड़ते हैं, ठीक है? और अभी टर्निंग के टाइम तुम्हारा राइट वाला पैर कहाँ था? राइट वाला जो दाहिने वाला पैर है वो किस पॉइंट पे था? सामने देख के बात करो। क्यों? मोड़ते कार को मोड़ते वक्त कभी भी एक्सीलेटर पे पैर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। फिर क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड गियर में एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। स्पीड बढ़ाओ। अब कौन सा गियर डालना है? दूसरा। हाँ, गियर बदलते वक्त राइट वाला पैर कहाँ होना चाहिए? एस्केलेटर पर। हाँ, एस्केलेटर। किसने बताई ये बात? ब्रेक पे। तो अभी जब आप गियर बदल रहे थे तो आपका पैर एक्सेलेटर पे क्यों था?
जब अभी आप गियर बदल रहे थे तो आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे क्यों नहीं आया? अगर इमरजेंसी में ज़रूरत किसकी पड़ेगी, एक्सेलेटर की या ब्रेक की? तो हमें सबसे ज़्यादा नॉलेज में किस चीज़ को रखना है? आप क्या रख रहे हैं? फिर ऐसे चलाएंगे गाड़ी? पिछले 15 दिन से तोते की तरह आपको सिखाया जा रहा है कि कार को टर्न करते वक्त राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए, लेफ्ट वाला पैर जो आपका क्लच पे होना चाहिए और नज़र आपकी सामने होनी चाहिए। तो फिर ये सब 15 दिन में क्या सीखा है आपने? भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस खड़ी पगुराए, समझ में आया इसका मतलब क्या हुआ? कि हम आपको समझाते जा रहे हैं और आपके दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है? अभी स्पीड बढ़ाओ। कभी भी टर्निंग के टाइम राइट वाला पैर आपका एक्सेलेटर पे नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी में अगर कोई व्हीकल या कुछ आ जाता है सामने तो आप सोचोगे ब्रेक, लेकिन दबेगा एक्सेलेटर। अभी स्पीड ब्रेकर है यहाँ पे हाफ क्लच पे, बस दोनों हाथ से स्टेयरिंग पकड़ी जाती है। जब गियर डाल रहे हो, चलो मेरी तरफ मत देखो, सामने देख के, पिक्चर यहाँ नहीं चल रही है, सामने चल रही है। स्टेयरिंग को 3 और 9 पे पकड़ो। अभी स्पीड बढ़ाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो। स्पीड ब्रेकर आ गया है, हाफ क्लच लेके निकाल लेना। स्पीड ब्रेकर पे फुल क्लच नहीं दबाते हैं बच्चा, हाफ क्लच। अगर आप फुल क्लच दबाओगे तो गाड़ी आपकी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि फुल क्लच दबाने से इंजन जो है वो पूरी तरीके से फ्री हो जाता है, गियर और इंजन का कनेक्शन टूट जाता है। अभी स्पीड बढ़ा के सेकंड गियर करो। पिट जाओगे मेरे से, अभी तुम्हारा पैर फिर ब्रेक पे नहीं आया। जाते जाते मेरे से चाटा खा के जाओगे, ध्यान रखना इस बात को। अभी ये लेफ्ट वाला हैंड कहाँ है आपका और कहाँ होना चाहिए? जब गियर बदलते हैं उस वक्त राइट वाला पैर पूरा हवा में लाना चाहिए या एड़ी को एक जगह फिक्स रखना चाहिए, खाली पंजा आना चाहिए? एड़ी को फिक्स रखना। तो अभी आप एड़ी फिक्स रख पा रहे हो? जी नहीं। क्यों भाई? मेरे 15 दिन में आपको डेली सारी यही चीज़ें बताई गई जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ अलग बताया गया है? नहीं। फिर जब भी आप गियर चेंज करते हो तो राइट वाला पैर आपका एड़ी हमेशा नीचे टच रहती है, फिर पंजा एक्सीलेटर से ब्रेक से लेके आओ ब्रेक पे पैर, अब एक्सीलेटर पे ले जाओ, फिर ब्रेक पे लाओ, ऐसे चलता है। और जो आपने ये स्लीपर पहन रखी है इसमें ग्रिप नहीं बनती है, या तो स्पोर्ट्स शूज या पीछे से जो पैर को हील को ढके होता है एंडी, जो सैंडल होता है, ये जो स्लीपर होते हैं ये आगे पीछे होते रहते, पैर खिसकता रहता है, पूरी तरीके से ग्रिप नहीं बन पाती है, ठीक है? बिना शूज के, बिना स्लीपर के कितने दिन आपने गाड़ी चलाई? बिना चप्पल जूते के 5 दिन चलाई। तो उसमें क्या समझ में आया था आपको? समझ में आया था बेहतर। यहाँ से आपको लेफ्ट जाना है, सिग्नल दो लेफ्ट का। टर्निंग के टाइम राइट वाला पैर कहाँ होगा? ब्रेक पे। कितना पहले सिग्नल देंगे? 100 मीटर पहले। टर्न करते वक्त कौन से मिरर को देखेंगे, कौन से शीशे को देखेंगे? लेफ्ट वाले, बाएं वाले को। बेटा जब लेफ्ट टर्न कर रहे हो तो लेफ्ट वाला देखोगे ना, दाहिने का क्यों देखोगे? अभी राइट वाला पैर कहाँ है आपका? एक्सेलेटर। क्यों? ये सेकंड गियर में बिना एक्सेलेटर नहीं चलेगी क्या? सेकंड गियर में भी तो बिना एक्सेलेटर चलती है। तो इसलिए जब भी देखो टर्निंग के टाइम आप कुछ सेकंड के लिए ब्रेक पे पैर ले आओ, ताकि चाह के भी सामने से अगर कोई अचानक आ जाए तो आपसे ब्रेक की जगह एक्सीलेटर ना दबे। अक्सर क्या होता है कि नॉर्मली अभी जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो ज़्यादातर आपका दाहिने वाला पैर कहाँ रहता है? एक्सीलेटर पे। इमरजेंसी में किसकी ज़रूरत पड़ती है और दबता क्या है, होता क्या है? एक्सीडेंट। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। अब जब हमें इमरजेंसी में ज़रूरत होती है ब्रेक की तो हम प्रैक्टिस किसकी ज़्यादा करेंगे? ब्रेक की। क्योंकि एक्सेलेटर पे ना चाह के भी हमारा पैर जाता है, तो इसलिए हमें हर समय एक्सेलेटर की ज़रूरत सीखने के लिए नहीं होती है, चलाने के लिए होती है, ठीक है? बाकी आप ठीक चला रहे हो, नो डाउट, और भी अच्छा कर सकते हो। हल्का लेफ्ट दबा लो, पीछे आपकी गाड़ियाँ आ रही हैं,
ताकि आपकी वजह से पीछे वाले को डिस्टर्ब ना हो, एक टायर नीचे उतार लो, रोकना नहीं है, चलते रहो, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, लेफ्ट वाले को क्लच को रिलीज करो, क्लच छोड़ो तभी तो गाड़ी गियर में एक्टिव होगी, क्लच को फ्री करो, बस जाने दो। जब अब ये सिंगल रोड है, ये है रोड 8 फीट चौड़ा, कितने फीट? 8 फीट। और गाड़ी कितनी चौड़ी है आपकी? 6.5। 5.5 फीट, ये साइड मिरर जो है 1 फीट, तो 7.5 फीट। तो दो गाड़ी एक साथ इस रोड पे नहीं निकल सकती। अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही तो आपको एक टायर नीचे उतारना, एक वो उतारेगा, दोनों गाड़ी आसानी से निकल जाएगी। अगर आपके बैक साइड से कोई कार आ रही है जो कि आपको राइट वाले मिरर में दिखेगी, लुकिंग ग्लास में दिखेगी, ठीक है, और अगर थोड़ा दूर से देखोगे तो लेफ्ट वाले में भी दिखेगी, तो आपको क्या करना है, एक टायर अपनी गाड़ी का नीचे डाउन कर लेना है, रोड से नीचे उतार लेना है, और राइट वाला पैर ब्रेक पे रखना, लेफ्ट वाले से आधा क्लच दबा लेना। कितना क्लच? जब आप आधा क्लच दबा लेते हो और गाड़ी आपकी दूसरे गियर में होती है और थोड़ा सा ब्रेक पे पैर रखते हो तो गाड़ी आपकी आ जाती है पहले गियर में, गियर दूसरा ही रहता है बट जो स्पीड है वो आ जाती है पहले गियर की। अब देखो, जैसे अभी ब्रेक पे पैर लेके आओ, ठीक, अभी गाड़ी की स्पीड क्या है? 20 स्पीड होती है सेकेंड गियर की। अब मान लो आपको गियर बदलना है फर्स्ट, लेकिन बदलना नहीं है हमको, ठीक, अभी हाफ क्लच दबाओ, ब्रेक पे पैर रखो, अब थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा ब्रेक लो हल्का, अब गाड़ी की स्पीड आ गई आपकी 10 की, 10 से भी कम हो गई है, 0 की आ गई है, स्पीड क्या है? 0 के आसपास। गियर कौन सा है? दूसरा। अगर आप क्लच छोड़ दो, क्लच छोड़ो, ब्रेक पे पैर रखो, अब उतना ब्रेक दबाओ जितना अभी दबाया था, क्लच मत दबाना, गाड़ी क्या हो रही है? स्लो, वाइब्रेट हो रही है जी। ऐसा लग रहा है जैसे अभी इसका इंजन बंद हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से गाड़ी आपकी गियर में एक्टिव है और आपने बिना क्लच के ब्रेक ले लिया है, तो गाड़ी आपकी अभी वाइब्रेट करके थोड़े टाइम बाद 5 से 6 सेकंड में इंजन बंद हो जाएगा। लेकिन जब आप हाफ क्लच दबा के थोड़ा सा ब्रेक लेते हो तो इंजन जो है 50% वहाँ से फ्री हो जाता है, तो सेकंड गियर में होने के बावजूद भी वो 50% इंजन फ्री हो जाता है, तो पूरी तरीके से इंजन एक्टिव गियर में नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी स्लो हो जाती है और हाफ क्लच पे धीरे धीरे वो चलती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि हाफ क्लच दबाने से क्लच प्लेटें ख़राब हो जाती हैं, तो दोस्तों क्लच प्लेटें तब ख़राब होती जब हाफ क्लच दबा के आप एक्सीलेटर दोगे। अगर आपने हाफ क्लच दबाया और एक्सीलेटर भी दबा रहे हो तो क्लच प्लेटें ख़राब होती हैं। अगर आप हाफ क्लच दबा के रखे हो और ब्रेक पे आपका पैर है तो चाहे आप 5-7 किलोमीटर गाड़ी को ऐसे ले जा सकते हो, क्लच प्लेटें कभी ख़राब नहीं होती हैं। अभी स्पीड बढ़ाओ हल्का सा, जाने दो, अभी यहाँ से आगे से यू टर्न मारना है, जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे यहीं से यू टर्न मारना है आपको। यू टर्न के लिए क्या करना है, 100 मीटर पहले आपको राइट का सिग्नल देना है, कम जगह है तो गाड़ी रोक के एक दो बार आगे पीछे करके तब यू टर्न होगा। अगर आपको लगता है कि एक ही बार में गाड़ी यू टर्न हो जाएगी तो उसके लिए क्या करना है, अभी जैसे आप दो राइट का सिग्नल, पहले लेफ्ट का सिग्नल दो, ठीक है, ऊपर गो, नहीं हुआ है अभी भी, नहीं हुआ, ऊपर करो, अब पहला गियर करो, राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ और पहला गियर लेफ्ट दबा के ऊपर, बस अभी क्लच को छोड़ो, दोनों हाथ से बेटा स्टीयरिंग पकड़ो, लेफ्ट आओ और लेफ्ट लेके आओ, नीचे उतारो गाड़ी, हाँ बस क्लच छोड़ो, ब्रेक पे पैर, खा जाओगे मेरे से, ध्यान रखना, जाने दो। अभी पूरी राइट काट दो, फुल काटो राइट, छोड़ो क्लच ब्रेक, फुल काटो, राइट वाला पैर कहाँ है तुम्हारा, जाने दो, धीरे धीरे जाने दो, सीधी करो, स्टॉप करो, 1 सेकंड। तो आपने भी राइट टर्न किया गाड़ी को, ठीक जी, राइट टर्न करते वक्त राइट वाला पैर कहाँ था आपका, एक्सीलेटर पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट गियर सेकंड गियर में बिना एक्सीलेटर गाड़ी में इतनी ताकत होती कि 5-6 फीट की चढ़ाई ये चढ़ जाएगी, तो हर जगह एक्सीलेटर पे पैर नहीं होना चाहिए, और आप पैर बार बार उठा के रखते हो जो कि बहुत गलत है। अभी चलो ब्रेक छोड़ो पहले और हाफ क्लच छोड़ो, हाफ क्लच, हाँ बस, ठीक है। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको ब्रेक को एक्सीलेटर को टच ही नहीं करना है। अभी स्पीड बढ़ाओ, जाओ, अभी एक टायर नीचे उतारो गाड़ी का, और जब नीचे उतारा तो आपने लेफ्ट वाले मिरर को देखा था इसको, क्यों नहीं देखा? अगर इनकेस आपके बगल से कोई बाइक वाला निकल रहा होता तो क्या होता,
हल्का लेफ्ट आओ, अभी गाड़ी रोकनी है आपको। स्टीयरिंग सीधा है तुम्हारा? नहीं। अब बढ़ाना है, रोक रोक कर बढ़ाना, थोड़ा सा एक मीटर बढ़ाओ, फिर रोको, फिर बढ़ाओ, फिर रोको, 10 बार गाड़ी रोकनी है, 10 बार बढ़ानी। मेरी शक्ल मत देखो, सामने देखो, गाड़ी रोड पर चल रही है, मेरे फेस पे चल रही है, फिर अभी रोको। ये एड़ी हवा में तुम्हारी क्यों उठ जाती है, ये पैर की एड़ी बार बार हवा में क्यों उठती है? चलो बढ़ाओ, फिर रोको, फिर बढ़ाओ, फिर रोको, फिर बढ़ाओ, बस अभी यहाँ रोको गाड़ी को और बैक गियर डालो, इसको न्यूट्रल करो, हाँ पूरा राइट दबाओ, फुल राइट दबाओ, पूरा खींच के पीछे, हाँ खींचो, छोड़ो, हाँ लग गया। अभी सीधी सीधी गाड़ी बैक में जाएगी, अब बैक करते वक्त आपकी नज़र कहाँ रहेगी? लुकिंग ग्लास में, साइड मिरर में। चलो जाओ, पहले हाफ क्लच छोड़ो, एक्सेलेटर की कोई ज़रूरत नहीं, जाने दो, सीधा सीधा जाना, जैसे स्टेयरिंग है बस, ऐसे कुछ नहीं करना है, हल्का राइट दबाओ, राइट आपका बेटा, बस जाओ सीधी करो स्टेयरिंग, सीधी जाने दो। एक्सीलेटर की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड गियर रिवर्स गियर में गाड़ी चलती, हल्का लेफ्ट आओ बस, हल्का राइट, राइट आपका, हल्का लेफ्ट, पंडित जी आ रहे हैं पीछे, और लेफ्ट आओ थोड़ा, लेफ्ट राइट रखो हल्का, बस रुको, पूरा क्लच धीरे से ब्रेक, न्यूट्रल करके फर्स्ट गियर कर लो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे।